जय हिंद साथियों, अभी फ़िलहाल सुबह 7 बजे का टाइम हो रहा है। मैं सो के ही उठा हूँ और आज है गणतंत्र दिवस। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अभी नहा धो लेते हैं, फिर नहा धो के चलेंगे परेड ग्राउंड। आज संदेश के स्कूल में भी कुछ कार्यक्रम है तो वहाँ भी चलेंगे। और आप लोग ब्लॉग में बने रहो और आपको दिखाते हैं लाल परेड में सांस्कृतिक झांकियाँ निकल दी वहाँ पर क्या होता है। तो गाइस, अभी बहुत देर के बाद जो मतलब बहुत ढंग ढंग करते हैं बैरन जैसे तैयार होता है। हम 8 बजे रेडी हुए थे, मन के परेड ग्राउंड चलेंगे। जो धनी जय हो प्रभु भगवान ने मना रहा, अरे मन के भैया यार भी तो सबके हैंगे, सबके मान जाते हैं, पर इतना लेट करता है। 1 घंटा 9 बजे गए परेड ग्राउंड पहुँच के, अब क्या करेंगे इतने लेट। लेकिन फिर भी अब लेट हो गए तो थोड़ा टैक्सी से जल्दी चलने की कोशिश करेंगे। इतने महंगा भैया यार, भगवान कौन से रूट रहे हैं, सबसे मन जाते हैं, क्या करें यार, एडजस्ट तो करना पड़ेगी। चल रहे हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहो, अभी फिलहाल लेट हो गए हैं तो टैक्सी से चलेंगे और चल के आपको परेड ग्राउंड में मिलते हैं। चलो भैया, परेड ग्राउंड तक चलेंगे। हाँ। चचा चेकन हो गया भैया, मैंने कहा चचा चलेंगे, चचा का कहता अरे आ रहा देख चमक रहा चचा भैया। सॉरी, हम भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, 3 की जगह 4 बैठ रहे हैं, इसके लिए सॉरी दिल से। चलो अपने चालान कटाओ, बोल दो। चलो 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 चलो, गाड़ी चालू नहीं हो रही, चाहे मैं आज 5 बजे उठा गया हूँ तो चच्चा मन के परेड ग्राउंड चल रहे, जल्दी चच्चा के दे आओ बेटा चलेंगे, कहीं सीन आ रहा है यहाँ कन में। ठीक है जल्दी उठ जाइयो, कहीं आओ आओ, कहीं भांजे को कहीं मेरे को डांस कार्यक्रम है, कहीं खुद देख के जाइयो। गुना की सुंदरता मतलब इनकी कह रहा हूँ मैं, केवल जो चलचित्र बनना है ना इनकी। पुलिस वाले अंकल जी खड़े हैं, आप लोग कैमरा ना जब्त कर लें, ये तो वहाँ लान परमिशन नहीं है यहाँ पे। अतुल चाचा और बिक्की पे जा रहे हैं गाड़ी से, हम दो भाई तुम चलो गाड़ी से, हम दोनों आ रहे हैं पैदल पैदल, बस यहीं पे पहुंच गए परेड ग्राउंड के साथ में। ये सरकारी क्वार्टर है, यहाँ पे पुलिस विभाग के और सभी सरकारी विभागों के, तो हम लोग रहेंगे यहीं पे, बस पास में ही है परेड ग्राउंड। चवल तैनात है बखूबी, मतलब सुरक्षा का काफ़ी ध्यान रखा। ट्रैक्टर मर के ले आओ भाई, तुम्हें तुम्हें तो सब भाई जान बचा नहीं लगे। तो भैया ये सब तो भाई मतलब कुछ भी कर रहा है, पर मैं वीडियो बनाने के ही मकसद से जैसे सिसोदिया जी ने वर्ष 2013 में खुना जिले के बमोरी विधानसभा क्षेत्र से पहली बार, वर्ष 2018 में दूसरी बार तथा उपचुनाव की शपथ जैसे युवा कर्मठ एवं सेवा भावी हृदय के स्वामी। अरे दीदी बढ़िया जी का हम मुख्य अतिथि के रूप में पाकर के गौरवान्वित महसूस करते हैं, आपका हार्दिक वंदन। 2021 को गुना जिला के कलेक्टर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, इसके पूर्व सहायक सचिव एसडीएम सिहोरा, सीओ जिला पंचायत कटनी के रूप में भी आपने सेवाएं दी, अत्यंत सहज एवं मिलनसार। 1995 में उप पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवाएं और विभिन्न जिलों में अपनी सेवाएं देते हुए पुलिस अधीक्षक के रूप में 28 मई 2000। प्रदेश हमारा देश में अग्रणी राज्यों में, तो हम लोग बाहर खड़े हैं चच्चा बिक्की बजे भैया, इंडेक्स रैंकिंग में राज्य ने लगातार सुधार दिखाया है और हम लैंड लॉर्ड
गाइस वहाँ पे सभी स्कूल के मतलब विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों ने तैयार किए हैं, तो उधर वो तैयारी चल रही है। जब ये इधर सब मतलब फ्री हो जाएंगे तो फिर वो बारी बारी से अपना मतलब अपनी जो तैयारी उन लोगों ने की है वो दिखाने के लिए इधर आएंगे अभी। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम हल्के थे स्कूल जाते तो सबसे मतलब ज़्यादा 26 जनवरी एक दिन सबसे ज़्यादा प्रतीक्षा किस चीज़ की करते, लड्डू की कविता की? चचा हमारे है ना लड्डू लेके भाई निकल लो, दूसरे स्कूल चल रहे हैं। जाते बेटा मैं पढ़ते ही स्कूल सबसे ज़्यादा भाई थे। हाँ चचा पढ़ाई में बढ़िया है थे और कचिंग में बढ़िया है थे। पीछे ही नहीं रहे राज्य का पुरस्कार मिला है कराने के लिए प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में इस साल 19 ट्रेनों का 19,000 से अधिक यात्रियों को लाभान्वित किया गया है। आगामी सरकार ने पिछले लगभग 3 साल में 2,25,000 हो गया भाई, अगर टाइम लगे भाई खड़े रहो खड़े दावा भुगतान किया गया। वो भी देवल के छोटे भैया लग रहे हैं सर, अकेले अकेले आए जबकि सिंगल नहीं है मिंगल हो गए। चंद्रविलास में उनकी भूमिका को रेखांकित करने के उद्देश्य से भोपाल में यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में एवं प्रदेश भर में विश्वविद्यालय, ये छोटे छोटे बच्चे अपने देश का भविष्य। तो कलाकृतियाँ देखो मतलब सब एक से बढ़ के एक लेके आए, कोई स्वच्छ भारत मिशन अपनाना चाहता है का संदेश देना चाहता है तो कोई किसी अन्य चीज का। 10,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स क्रियाशील कर दिए गए। भोपाल में स्टेट ऑफ द आर्ट COVID-19, कृपया मास्क लगा रहे हैं, दूरी बनाए रखें। तेरे बड्डे पे जनता बढ़-चढ़ कर सुझाव दे रही है। आज भागीदारी का जन्मदिन है भाई, गणतंत्र दिवस है तो भारत कल्याण क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को तेज कार्यक्रम चल रहा है। बेटी बचाओ नशा मुक्त समाज बनाओ, ऊर्जा बचाओ पानी बचाओ पेड़ लगाओ। जो लोग गुटखा नहीं खाते वही कमेंट करना, वहाँ लोग कमेंट करने के लिए ना है, कृपया करें। भागीदारी मैं गुटखा खाता हूँ तुम कमेंट मत कर दी मेरी वीडियो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत और लाइफ स्टाइल, तुम्हें ठंडी मिल रही है तही नहीं कहीं ठंड बंद करवा दे भाई, 2 महीना और रुक जाओ गर्मी पड़े ही ना, कूलर एसी पंखा सब चलाओ। हाल ही में अपने चीज मिल रही ले लिया क्या भाई, अजब भी है गजब भी द्वारा छोड़ा जा रहा है। अभी भैया बंदूक से नहीं भयंकर वाले भारत माता के Thank you.
भारतीय सैनिक। गणतंत्र दिवस परेड पर भव्य सेना का यह प्रदर्शन हमें याद दिलाता है कि हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता की सुरक्षा कई बलिदानों का परिणाम है और हमारे सारे वीर जवान बिना देखे अपने घर परिवार को छोड़कर अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए पर अपने देश की अस्मिता स्वाभिमान और उसकी स्वतंत्रता पर कोई आंच नहीं आने दी। मन में अपार हर्ष और हृदय में जोश से भरे अपनी अपनी पोशाकों में सुसज्जित आसपास राष्ट्रीय आराधना राष्ट्रीय साधना राष्ट्रीय चेतना से भरे हुए बलिदान और समर्पण को अपनी पहचान बनाए हुए हम देख सकते हैं इनके सभी को ये भैया पूछ रहे कितने सब्सक्राइबर हैं कम हैंगे लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। हर बड़ी चीज की शुरुआत जीरो से होती है ये याद रखो। विद्या भवन जिनका यहाँ पर बयान करें कि कोरोना की भयावह स्थिति पर जी हाँ कोरोना ने जिस तरह से एमपी के वाला भाई यूट्यूब चैनल है अगर सर्च कर लेना एमपी के वाला ब्लॉग मचाया हुआ था और हर ओर मातम का माहौल था। बड़ी दिक्कत हुई बच्चों ने इतनी मेहनत से मतलब एक डांस प्रोग्राम तैयार किया था पर उन्होंने किसी वजह से उनके मोबाइल में लॉक लग गया है तो पता नहीं उनकी जगह किसी दूसरी टीम का होगा अभी और उसके बाद उन लोगों का होगा तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो और नहीं किसी दूसरी टीम का चल रहा है आपको नहीं पता मुझे पता है तुम पता है इनकी प्रस्तुति पूरी हो गई है तो ये लोग यहाँ पे आके बैठ गए अब नेक्स्ट टीम आएगी पता नहीं किस स्कूल की कहाँ से उनका होगा पर आप लोग ब्लॉग में बने रहो। भाई मेरे मोबाइल की बैटरी कम हो चुकी है तो हो सकता है आज इतना ही रिकॉर्ड हो पाए क्या कर सकते हैं उसमें क्या झड़ने भाई मैं मेरी बेइज्जती नहीं समझता किसी का लोगों का चल रहा है यहाँ पे बच्चों का उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा अगर ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल